हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मैं डाइटिशियन कंवलदीप सिंह औजला। आई हैव नोन डॉक्टर बिलक सिंस 2020। सो ऑक्सफोर्ड हॉस्पिटल ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਰ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਆਈ ਵਾਸ ਦ ਡਾਈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਓਵਰ देयर। सो मैं ਤੁਹਾਡੇ 10 ਮਿੰਟ ਲਵਾਂਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਵੈਨ ਇਟ ਕਮਸ ਟੂ ਪੇਨ। ਕਿਉਂ ਕਿਉਂ ਪੇਨ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਅੱਜ ਨੀਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। लेकिन उस तो भी ज्यादा नीड अगर सानू किसी चीज की हैगी आ, अगर असी ग्लोबल लैवल दे उपर देखांगे ना, तो ग्लोबल लैवल दे उपर जिन्ने भी मैडिकल फील्ड्स आ, नो डाउट उन्हां सारियां दी डिमांड हाई जा रही है, बट न्यूट्रिशन इज द वन ऑफ द लीडिंग वन। ठीक है, वन ऑफ द लीडिंग वन होने का एक नैगेटिव रीजन भी हैगा आ। नैगेटिव रीजन ये हैगा आ दैट न्यूट्रिशन लाइन हैज बीन शैडोड, ओवर शैडोड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ठीक है, सो आई डोंट वॉन्ट टू बी रूड टू एनी वन, बट जिन्हें भी मैडिकल प्रोफेसनल्स अज ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਫॉर ਕਮਿੰਗ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਦੇ, ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਂ ਡਾਇਟਿਕਸ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੱਢਦੇ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਜੋ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਜਾਂ ਐਨੀ ਅਦਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਗੈਟ ਦ ਬੈਸਟ ਰਿਜ਼ਲਟਸ। ਯੂ ਆਰ ਬੈਸਟ ਇਨ ਯੋਰ ਫੀਲਡ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੈਸਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਬਟ ਉਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਮੈਨੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ, ਵਾਟ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਦ ਰਿਜ਼ਲਟਸ? ਬੈਸਟ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਸਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ। ਸੋ ਵੈਨ ਇਟ ਕਮਸ ਟੂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ, ਡਾਕਟਰ ਬਿਲਕਸ਼ ਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਵਨ ਇਨ ਦ ਕੈਂਪਸ ਵੀ। ਵੈਨ ਵੀ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਜੁਆਇੰਟ ਪੇਨਸ ਔਰ ਬੈਕ ਪੇਨਸ ਔਰ ਇਨਫਲਾਮੇਸ਼ਨ ਔਰ ਐਨੀ ਅਦਰ ਟਾਈਪ ਆਫ ਪੇਨ, ਸੀ ਨੰਬਰ ਵਨ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਿ ਡਾਕਟਰਸ ਲਈ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ a little narrow or we can say a little brief. Number of patients bahut zyada aaya, so that is there is not enough time ke assi kalle kalle patient nu 15-15 minute samjhaiye, but dietetics is not like that. Jinni der tak assi apne patient naal ek acha ample time spend nahi karde, onu pros and cons nahi dasde, we are not going to get any good results. So ode vich aa janda hai ki patient nu eh samjhana that pain ho kyon rahi hai. So what is a very easy example that I use, ke main bed to uthya एंड चप्पल पाउन तो पहला मेरा पैर बैड च वज गया या मेरा गोडा बैड च वज गया। ओके, मेरी बॉडी दे विच एक स्ट्रेस क्रिएट होया, इट कैन बी अ मसल इशू, इट कैन बी अ सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, इट कैन बी एनी काइंड ऑफ इंजरी जिहदे करके हुण उत्थे इनफ्लामेशन होगी। हुण कॉमन लेमैन बंदे नूं की समझावांगे इनफ्लामेशन की हुंदी आ, उस इनफ्लामेशन नूं समझाण लई 2 मिंट लग जाणे। सो दैट इज वेयर आर एक्सपर्टीज इज, ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਵੀ ਕਮ ਔਨ ਟੂ ਆਰ ਨੈਕਸਟ ਥਿੰਗ, ਕਿ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਲ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਚੱਲੀਏ, ਤਾਂ ਇੱਕ 60-65 ਕੇਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਆਈਡਲ ਮੇਲ ਪਰਸਨ 2200 ਕੈਲਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਾ ਰਿਹਾ। एंड देन इट नॉट ओनली कम्स टू कैलरीज, अगर कैलरीज पूरी हो भी रही ने, अगर आइडल वेट मेंटेन भी हो रहा है, वाइटमिन्स मिनरल्स फाइबरस एंड प्रोटीनस कितने आ? आर डाइट इज लैकिंग इन दीज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, सो आई जस्ट टेक 5 मिनट्स। सो बेसिकली असी पेशेंट नू जदों पेन दे बारे समझाने हैं, तो असी उन्हों पेन एंड फूड का कनैक्शन समझाने कि कहड़े फूड्स आ जिहड़े पोटेंशियली तुहानू हाई पेन दे विच जिहड़ा आ उह लैके जांदे आ जां तुहाडी इनफ्लामेशन नू इनक्रीज करदे आ। सो आई विल जस्ट गिव यू सम ब्रीफ नोट्स, जिहड़ा तुसी भी इन फ्यूचर अपने पेशेंट्स नू रेकमेंड करने आ। सिर्फ तलिया फलिया खाना या बाजार वाला खाना ना खाओ कह के प्रिस्क्रिप्शन लिख के तोड़ देना इज नॉट इनफ फॉर दैम। ठीक है जी, सो सानू पेशेंट नू दसना पैना द नंबर वन कॉजस ऑफ इनफ्लामेशन इन आर बॉडी। सब तो पहला आ गया रिफाइंड ऑयल्स। ओके, सो रिफाइंड ऑयल्स दे विच मैं तो कहूंगा भी जिन्ने भी एडवरटाइज्ड ऑयल्स आ वो तो सारे ही इनफ्लेमेटरी आ। ठीक है, द सेकंड थिंग इज प्रोसेस्ड फूड, जिहड़ी भी चीज पैकेट विचों निकल रही है या प्रोसेस कीती हुई है। हुण असीं इत्थे प्रोसेस एंड प्रिजर्व्ड नूं कन्फ्यूज ना करिए, प्रिजर्वेशन इज अ डिफरेंट थिंग, प्रोसेस्ड इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, पोटैटो या टमैटो नूं पकड़ के उहदी चटनी बना दित्ती एंड उहनूं डब्बे च पैक करता, दैट इज प्रोसेसिंग। लेकिन टमैटो नूं या वेजिटेबल्स नूं कट करके फ्रीज करता, दैट इज नॉट प्रोसेसिंग, दैट इज प्रिजर्वेशन। ठीक है, नैक्सट आ जाता है साढ़े कोल कॉमन, असी देखते हाँ दैट स्मोकिंग एंड एलकोहल कंजम्पशन वाले जिहड़े साढ़े कोल पेशेंट्स आउंदे आ विद यू नो एक्स वाई जेड नंबर ऑफ इशूज।
जिन्नी देर तक स्मोकिंग एंड अल्कोहल और एनी अदर अब्यूज जेड़ा बॉडी का बंद नहीं होएगा पेन दे विच रिलीफ नहीं आने वाला वी आर नॉट गोइंग टू गैट बेस्ट रिजल्ट इनफैक्ट असी पेन किलर्स के नाल उन्हूं एक नवी एडिक्शन दे देंगे ठीक है जी नैक्सट इज प्रॉब्लम्स लाइक सर्वाइकल आई नॉट हैव टू ब्रैग अबाउट एनीथिंग लेकिन सर्वाइकल पेशेंट्स नू मैं पेन दे विच हैल्प किया एंड रिकवरी दे विच हैल्प किया या ओनली विद द हैल्प ऑफ डाइट हाँ जिथे केस मैनू लगता है आई डू रेकमेंड कि तुसी डॉक्टर को जाओ प्रिस्क्रिप्शन लाओ और फिजियोथेरेपिस्ट को जाओ जो भी थेरेपी हो तुहानू देणगे तुसी लैनी आ बट मेनी ऑफ माई ओन फैमिली मैंबर्स एंड फ्रेंड्स नू मैं जस्ट डाइट इंप्रूव करके पेन रिलीफ करवाया होया है सो दैट इज वेयर आई प्ले अ बिग पार्ट जदों आपां गल करदे आ एक पेन फ्री सोसाइटी दी ठीक है जी प्रॉब्लम सच एज क्रॉनिक किडनी डिजीज और गाउट और रूमेटॉइड आर्थराइटिस डू वी हैव अ सेट डाइट प्रोटोकॉल जिन्हें भी मेडिकल प्रोफेशनल्स बैठे आ आई एम आस्किंग के डू यू हैव अ सेट ऑफ प्रोटोकॉल के डाइट आ फॉलो करनी है नो एंड इट इज नॉट योर मिस्टेक आई एम नॉट ब्लेमिंग एनी वन फॉर दैट तुसी उस पेशेंट नू पिक आउट करके डाइटिक्स रेकमेंडेशन लई भेजना आ उहदी डाइट काउंसलिंग लई भेजना आ रेस्ट द डाइटिशियंस विल हैंडल ठीक है मैं तुहानू इह नहीं कह रहा हैगा वी तुसी हुण 15-15 मिनट ओपीडी दे विच इक पेशेंट ते लगाओ नो दैट इज नॉट योर वर्क लोड नहीं हैगी बट यू एटलीस्ट सेंड दोज पेशेंट्स के यार तुसी अपनी न्यूट्रिशनल कंसल्टेंस करो अच्छा सम ऑफ द डॉक्टर्स उन्होंने आफ्टर मीटिंग मी या कुछ होर है ना दे स्टार्टेड रेकमेंडिंग पेशेंट्स फॉर डाइट कंसल्टेशन फिर लोग की करते लोग डाइट कंसल्टेशन लिए नहीं आते बट उ पेशेंट 3-4 हफ्ते बाद जो डॉक्टर को जाता है डॉक्टर डज नॉट आस्क दैम के डाइट कंसल्टेशन लिए क्यों नहीं गए ठीक है सो दिस इज समथिंग वेयर आई नीड अ फेवर फ्रॉम द मेडिकल कम्युनिटी नॉट अ फेवर फॉर मी मैं नहीं कहता तुसी सारे मरीज कट्ठे करके मेरे को ही भेज दियो भी मैं ही करना सारे नू ठीक नो एनी डाइटिशियन दैट यू कैन एस्टैबलिश अ गुड इन हॉस्पिटल और आउटसोर्स केयर ठीक है डाइट कंसल्टेशन होम विजिट ते हो जांदियां ने डाइट कंसल्टेशन ओपीडी च हो जांदियां ने ऑनलाइन हो जांदियां मैं खुद ऑनलाइन ऑफलाइन कंसल्टेशन करदा हां एंड सो डज मैनी अदर डाइटिशियन सो अगर साडी कोई मेडिकल प्रैक्टिस चल रही है देयर इज अ वेरी नेसेसिटी अगर मैं अज दी डेट च कहां दैट यू शुड हैव एटलीस्ट वन और टू डाइटिशियन इन योर सर्कल जिन्हां नूं तुसीं ओह केसेस सेंड करने ने डाइटिशियंस तो बाद तुसी खुद ये चीज फील करोगे दैट योर पेशेंट रिकवरी हैज इंप्रूव पेशेंट दी बॉडी ऑप्टिमल परफॉर्म करती है एंड यू डोंट हैव टू प्रिस्क्राइब देम टन्स ऑफ मेडिसिंस आफ्टर दैट जदों वो रिकवर हो गया कमिंग अप टू सप्लीमेंटेशंस नाउ दिस इज अ एरिया जिहदे विच डाइटिशियंस एंड डॉक्टर्स दे विच थोड़ा जिहा डिफरेंस हैगा आ एज अ डाइटिशियन आई डोंट नो मच अबाउट मेडिसिन यस आई बीन वर्किंग इन हॉस्पिटल्स फॉर लाइक लास्ट 4+ ईयर्स थोड़ा बहुत मेडिसिन का पता लग गया है बट एथिकली एंड मॉरली आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू रेकमेंड मेडिकेशन और प्रिस्क्राइब मेडिकेशन टू एनी ऑफ माई पेशेंट्स बट वट आई कैन डू इज प्रोवाइड दैम विद सप्लीमेंटल सपोर्ट सो कैन द डॉक्टर्स एंड नंबर वन डेफिशियंसी जो अज की डेट विच डायरैक्ट पेन के नाल रिलेटेड आ दैट इज वाइटमिन डी इज अ मतलब ऑल टाइम कम्यूनिटी लो चल रहा है इस टाइम इंडिया के डिस्पाइट के साडे कोल सारे तरह के क्लाइमेट है वाई इज वाइटमिन डी लो वाइटमिन डी सिंथेसिस उदों होना आ जो तुहाडी स्किन तुहाडी बॉडी के उपर सूरज दिया किरणा डिगणियां ने उदों वाइटमिन डी क्रिएट होना आ अगर मैं फुल कपड़े पाके धुप च बैठा हाँ आई एम नॉट गैटिंग एनी वाइटमिन डी ठीक है सो एक मिसकनसैप्शन भी जिहड़ा आ सानू लोकां दे माइंड चो कढ़ना पैंदा द अफेक्ट ऑफ ऑल द प्रोसैसड फूड्स एंड रिफाइंड ऑयल्स इज elevated levels of omega 6 fatty acids jo again inflammatory cytokines nu boost karde ne inflammation increase karde ne no study has been done in india ya meri knowledge nahi hai gi but a us study 4 years ago showed ke omega 3 to 6 di ratio jehdi 1:2 honi chahidi aa that ratio is 1:40 1:2 di ratio 1:40 te chal rahi hai us de vich And I think the situation in India is not that good. Okay? So we have to encourage our patients to make lifestyle changes. Now, last point in my talk. Encourage karta ji maadiyan cheezan nahi khaniyan, sirf changiyan cheezan khaniyan. So the patient comes back after 1.5 months, but still no improvement. In fact, oh keh reha hai ke weight hor kat gaya, weakness hor vadh gayi, hun ta chakkar agge din ch do vaar aunde si, hun char vaar aun lag paya.
What is the reason for that? सिर्फ हेल्दी फूड खाना एक दिन दे विच तुहानू ठीक नहीं कर देगा जदों तक तुसी सही क्वांटिटी दे विच हेल्दी फूड डेली बेसिस ते नहीं खादा। वी ऑल नो कि मेडिसिन दे विच डोसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, वेल न्यूट्रिशन दे विच भी डोसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर कोई 80-85 केजी वाला परसन, ठीक है ना, पूरे दिन च एक या दो एग खा के कह रहा है लो जी प्रोटीन हो गया नाश्ते च अज ज्यादा इनफ है पूरे दिन लई, नो नॉट इनफ फॉर देम। सो सिर्फ अच्छिया चीजा नहीं खानिया, अच्छिया चीजा नू सही क्वांटिटी दे विच खाना है। सो दैट इज वेयर यू नीड एन एक्सपर्ट जो कि तुहाडे पेशेंट्स नू एक बैलेंस्ड डाइट प्रोवाइड करेगा। दिस इज वट आई डू जदों असी कम करते हैं अपनी प्रैक्टिस दे विच, हॉस्पिटल्स दे विच, व्हेन वी डू कैंप्स विद डॉक्टर अभिलक्ष एंड या मेरी इंडिविजुअल प्रैक्टिसेस। साडा काम है वध तो वध पेशेंट्स नू मोटिवेट करना। आई नेवर आस्क माई पेशेंट्स कि तुसी हुण मेरे तो डाइट लैण लग गए या दवाइयां बंद कर दिओ, दैट विल बी फूलिश ऑफ मी, ओके। एंड इट विल बी फूलिश फॉर अ डॉक्टर अगर वह कहता है कि मैं तुहानू दवाइया ना ठीक कर दूंगा, तुहानू डाइट की लोड़ नहीं। सो नो ऑफेंस टू एनी वन, लेकिन आपां हैंड इन हैंड होकर चलना है। फॉर ईयरस न्यूट्रीशन एंड डाइट नू असी साइडलाइन करके रखिया, लोकी भी हजे साइडलाइन करके ही देखते हैं, ऑल दे केयर अबाउट इसके स्केल के उपर वेट किन्ना है, बट आई थिंक इट इज टाइम टू चेंज दैट परसैप्शन। सो थैंक यू सो मच फॉर द पेशेंस, थैंक यू सो मच। आई एम श्योर के न्यूट्रिशन एंड डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्री ऑप पोस्ट ऑप एंड इंट्रॉप एंड इवन इंट्रॉप इन द सेंस की इंट्रावीनस की दे रहे हैं अपन एज एनेस्थेटिस्ट नो हाउ टू मेंटेन एवरीथिंग। सो फर्स्ट ऑफ थिंग के तुसी आई नो दैट यू आर स्पेशलिस्ट इन स्पेशली इन द पेशेंट जेड़ा आईसीयू च ने जी, वो उन्हें राइस ट्यूब च की फीड देनी है, 24 आवर च किन्ने कैलोरीज लेने चाहिए ने, जेड़ा पेशेंट टीपीएन है उन्हें किन्ना टीपीएन देना है, या पेशेंट जेड़ा आईसीयू च पोस्ट ऑप पड़ा है या न्यूरो सर्जरी का पिया है या फिर कार्डियोलॉजी का पिया है, वट ऑल डाइट दे। सर मैं तुम दसना चाहूंगा एज वी स्टार्टेड रायन हॉस्पिटल जैसे आईसीयू शुरू किया, ही इज अमंग अमंग आवर टीम एज अ डाइटिशियन एज वेल एज अ फूड विल बी सप्लाई टू ऑल द आईसीयू एडमिटेड पेशेंट्स बाय हिज टीम। सो आज दी जी न्यूट्रिशन एंड कैलोरी अबाउट जो उन्होंने तुम दसिया सारे अबाउट थिंग द पेशेंट, तो मैं सर दो तीन जो क्वेश्चन पूछना चाहूंगा सर जी, कि सपोज करो पेशेंट राइट ट्यूब से है जी एंड यू नो दैट अ पेशेंट गोना बी राइट ट्यूब फॉर द नेक्स्ट कमिंग वीक, ओदा की सानू पर डे किन्ना उन्हें कैलोरी काउंट देना है ताकि उन्हें मेंस्ट्रुएशन ना जाए या कैटाबॉलिज्म च ना जाए। दूसरा है सर कि एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म कैसे मेंटेन करना जी। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही इंटरेस्टिंग बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सर दा, एंड दिस इज अ चैलेंज दैट वी फेस आई फेस इन आईसीयूज। आई बिन वर्किंग इन 4 डिफरेंट हॉस्पिटल्स दे विच मेरी डेली विजिट होंदी आ एंड आईसीयूज दे विच उत्थे असीं इह चीज़ां देखदे आ। व्हेन इट कम्स टू कैलोरीज प्रोटीन्स मैक्रोज दी गल आउंदी है, डिपेंड करता है कि पेशेंट की प्रॉब्लम की सी, उहदा ट्रीटमेंट की चल रहा, उहदा प्रोसीजर की होया या की उहदा प्रोसीजर हजे होना है, पहली चीज़ यह मैटर करती है। सैकेंड चीज़ मैटर करती है कि पेशेंट की एट प्रेजेंट सिचुएशन की हैगी है। अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा ओबीस आ, ठीक है, अगर वो पेशेंट ऑलरेडी ओबीज आ, सम अमाउंट ऑफ कैलोरी डेफिसिट जिहड़ा आ उहदी बॉडी जिहड़ी आ उह सह सकती है, इनफैक्ट वो सानू हेल्प करेगा। हुण एट प्रेजेंट आई हैव अ पेशेंट जिहदा हिप फ्रैक्चर होया, ठीक है, एंड उन्हां अंकल जी का वेट जिहड़ा आ उह समवेयर अराउंड 112 आ। सो जदों तक असीं थोड़ा जिहा कैलोरी डेफिसिट नहीं करदे वो अंकल नू रिकवरी च दिक्कत आनी है, लेकिन वट माई स्ट्रैटेजी इज कि कैलोरी डेफिसिट दे नाल नाल मैं उन्हां नू वेरी हाई प्रोटीन डाइट प्रोवाइड कर रहा, मैं उन्होंने हाई प्रोटीन डाइट रेकमेंड कर रहा, सो दैट अगर कैलोरी डेफिसिट च वेट लूज हो रहा है इट विल ओनली बी द फैट वेट नॉट द लीन मसल वेट, क्योंकि लीन मसल नू मेंटेन करने लिए वी द नीड स्टिमुलस जो कि पेशेंट नहीं कर सकता, और वी नीड अ हाई प्रोटीन डाइट। तीसरा ऑप्शन होंदा है विद द हेल्प ऑफ हॉर्मोन्स, अगर असी 16-18 आवर्स ऑफ फास्टिंग करते हैं साड़ी बॉडी दे विच अच्छे हॉर्मोन्स कुछ इदा के बनते हैं जेडे ह्यूमन ग्रोथ हॉर्मोन जो मसल्स नू प्रिजर्व करते हैं, मसल नू लॉस्ट नहीं होने देंगे, बट इन आईसीयू पेशेंट आपां उन्हें 16-18 घंटे की फास्टिंग नहीं करवा सकते। सो वी चूज फॉर द मिडल स्ट्रैटेजी दैट इज हाई प्रोटीन डाइट टू प्रिजर्व मसल मास एंड बूस्ट रिकवरी। इस तो अलावा अगर साडा पेशेंट राइस ट्यूब के उपर आ एंड ही इज हैविंग इशूज लाइक लॉस ऑफ ब्लड होया, एच बी घटिया, सो वी विल गिव दैम अनार का जूस आप दे सकते हैं, बीटरूट का जूस दे सकते हैं, फीड दे विच आपां एग्स ऐड कर सकते हैं बिकॉज एग्स आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन एज वैल एज उन्हां दे विच वाइटमिन B12 एंड फोलिक एसिड एंड आयरन भी हुंदा है विच इज द मेन 3 थिंग्स टू फॉर्म हीमोग्लोबिन ऑफ आर ब्लड। इसे तरह अगर साडा पेशेंट जिहड़ा आ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा माल नरिश्ड स्टेट दे विच आ उदों आपां की कर सकते। सो इन माई
जो डाइट चार्ट मैं दिना है अपने पेशेंट्स नूं उहदे विच डाइट चार्ट दे विच समवेयर अराउंड 2200 कैलोरीज एंड 115 ग्राम प्रोटीन मैं आरटी फीड वाले डाइट चार्ट नूं दिना है। ओके, इट साउंड्स अ लॉट बट इट इज नेसेसरी, बट मैं खुद 25% एक्स्ट्रा दे रहा, नेसेसरी एंड ऑप्टिमम लिमिट तो मैं 25% एक्स्ट्रा दे रहा। क्यों? बिकॉज मैनू पता है कि घर जाके पेशेंट दे अटेंडेंट दिन दे विच 9 तो 10 वार हो सकता फीड ना दे पाण अपने पेशेंट। सो अगर वह 7 वार भी दे देंगे ने स्टिल साडा 70% टारगेट कवर हो गया। 8 वार दे देंगे तो होर भी वधिया, 9 वार दे देंगे दैन इट इज एक्सीलेंट। थैंक यू सो मच, थैंक यू।